लेकिन आज के सत्र में आपको क्या करना है यही हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और मैं हूं विश्व मोहन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेटल से। आप बताइए भाविक पटेल, सबसे पहले बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है, यहां से टॉपिक आपकी क्या है, किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए आज? नमस्कार विश्व मोहन। नमस्कार सर। देखिए आज चाइना का मार्केट ओपन हुआ और जो आज आप बता रहे थे नेशनल डेवलपमेंट और रिफॉर्म कमीशन, उसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो पहले स्टिमुलस दिया था उसके बाद आज कुछ फिस्कल स्टिमुलस भी दे सकते हैं। बट मार्केट ऑफकोर्स बहुत डिसअपॉइंट हुआ और हमने देखा कि शंघाई और जो चाइना का मार्केट था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करेक्शन हुआ, क्योंकि जो उन लोगों ने कोई भी अभी फिस्कल स्टिमुलस दिया नहीं है। उन लोगों ने इनफैक्ट दिया है कि फ्रंट लोड वो 100 बिलियन युआन है, वो 2025 के सेंटर बजट में से ना लेके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करेंगे। मतलब यहां से अभी नेक्स्ट 2025 तक कोई भी एक्स्ट्रा मनी वो लोग डिप्लॉय करने वाले नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करने वाले। तो मार्केट ऑफकोर्स इसके लिए डिसअपॉइंट हुआ, तो हमने देखा कि बेस मेटल्स में भी उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है एक्सपेक्टेड है और आई थिंक थोड़ा और चलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एनआरडीए की तरफ से जो कुछ एक्सपेक्टेशन था वो कुछ भी स्टिमुलस नहीं आया, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक वो थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बार बेच के चल सकते हैं अराउंड 844 832 के टारगेट के लिए, और 851 का स्टॉपलॉस रहेगा। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर कॉपर में थोड़ी और बिकवाली बढ़ेगी, 832 रुपए तक आ सकता है, 851 का स्टॉप लगाया, लेकिन केडिया जी को लग रहा है कि यहाँ पर रिकवरी लौटेगी, इस गिरावट में खरीदने का मौका देखना चाहिए, 835 के आसपास केडिया जी की खरीदारी की सलाह है, आपकी बेचने की सलाह है एक कॉन्ट्रा कॉल बेस मेटल्स में। लेकिन केडिया जी को लगता है कि गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है, आप क्या सोचते हैं गोल्ड सिल्वर में क्या होगा भाविक जी? जी गोल्ड सिल्वर में मैं भी केडिया जी के साथ ही हूँ, क्योंकि देखिए आई थिंक एक ही फैक्टर है जो सोने में अभी तेजी दिख रही है, बाकी सारे फैक्टर्स अगर ले तो वो दिखा रहे हैं कि एक करेक्शन आना चाहिए, टेक्निकली वो स्ट्रेच है। अगर हम ट्रेड भी देखें तो काफी ओवरक्राउडेड है, सभी लोग बाइंग में है, डॉलर इंडेक्स में भी हमने रिकवरी देखने को मिली है, और जो फ्राइडे के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट रेट की वो 50 से 25 बेसिस हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स दिखा रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर दोनों में करेक्शन आना चाहिए। पर तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न से अभी इजराइल कैसे रिटालिएट कर रहा है ईरान के अटैक के, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिली है। सारे इक्विटी मार्केट्स में भी जो करेक्शन है वो भी अभी फंड फ्लो सेफ हेवन बाइंग में दिख रहा है, तो उसकी वजह से गोल्ड हमें थोड़ा टिका हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, तो गोल्ड में 75,000 का जो पुट है 26 नवंबर का वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा, 1200 के टारगेट के लिए अराउंड 1000 और स्टॉप लॉस रहेगा 900 का। और चांदी में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा उछाल मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं 92,400 के करीब, 91,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 93,000 का। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेचना चाहिए और केडिया जी को भी लग रहा है, तो गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है दोनों एक्सपर्ट्स का। कॉपर को लेकर सिर्फ कॉन्ट्रा कॉल थी बेस मेटल्स में, जहां पर केडिया जी की खरीदारी और भाविक की बिकवाली की सलाह थी, लेकिन गोल्ड सिल्वर दोनों यहां पे बेरिश है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी यहां पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। भाविक को लगता है कि यहां पर पुट ऑप्शंस के जरिए जाए गोल्ड में और चांदी को फ्यूचर्स में बेचे 92,400 पे 91,200 तक जा सकता है। आपके पास भाविक कोई ऑप्शंस में रणनीति है क्या क्रूड मार्केट के लिए आज? जरूर से आई थिंक कॉल का ऑप्शन ही लेना चाहिए, क्योंकि जैसे केडिया जी ने बताया जियो पोलिटिकल कंसर्न तो है, और दूसरा अगर देखें हेज फंड की पोजिशन तो अभी जो शॉर्ट्स है वो भी अभी भी मार्केट में काफी शॉर्ट्स है, तो वो भी शॉर्ट्स अनवाइंड होने शुरू हो गए। मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो इसराइल का रिस्पॉन्स है वो देखने लायक होगा, इसके भी अगर वो ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो क्रूड है वो और भी ऊपर जा सकता है। तो आज के दिन कोई भी टिप मिलता है तो बाय कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है 6400 का जो कॉल ऑप्शन है 17 अक्टूबर का वो बाय करके चलना चाहिए 185 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 260 का। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए आप जाने की सलाह यहां पर दे रहे हैं, 6400 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस आप बताइए आपके पास क्या कॉल है एनजी पर भाविक जी? जी जहां पे केडिया जी का बाय है वहां पे आई थिंक मेरा टारगेट है सेल का, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक शॉर्ट टर्म जो अगर आज के दिन देखे तो चाहे लिमिटेड डाउनसाइड है, जैसे केडिया जी ने बताया कि हिल्टन जो हुरिकेन आया है फ्लोरिडा में हिट हुआ,
तो उसकी वजह से जो पावर प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन अभी कम कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी। तो ये चलते हुए मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, कल या परसों से थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल सकते हैं, बट आज के दिन अगर कोई भी थोड़ा उछाल मिलता है अराउंड 234, तो 228 के टारगेट से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 238 का। ओके चलिए, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के आलो पर आपका व्यू भाविक जी क्या लग रहा है? आज जीरे में फिर से तेजी दिख रही है, 2600 के आसपास है, धनिया सपाट, हल्दी कमजोर है, क्या करना चाहिए मसालों में? आई थिंक मसालों में मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी तेजी बाकी है। जैसे पहले भी हमने बताया था कि अगर हल्दी की बात करें तो 13,000 के नीचे प्राइस सस्टेन है ऐसा लग नहीं रहा था, पहले भी मैंने बताया था, और इस बार भी अगर देखें तो 13,000 के वहां से ही हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए, तो हल्दी में एक बार बाय कर सकते हैं 14,100 के टारगेट के लिए और 13,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। जीरा में भी अगर हम देखें तो 25,000 के नीचे जो प्राइसेस है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 27,300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से जीरा में बाय कर सकते हैं 27,300 के टारगेट के लिए और 26,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये व्यू है मसालों को लेकर, शुक्रिया भाविक जी आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन इक्विटी मार्केट के देखें तो निफ्टी डे हाई पर है, करीब करीब 150 अंकों की मजबूती दिख रही है, अच्छी शानदार रिकवरी 24,950 के ऊपर, लेकिन वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में।